चीनी सैनिकों को घेर कर पीटते जवानों का वीडियो वायरल, चीनियों की साजिश पर कारगिल जैसी थी, भारत के सपोर्ट में यूएस। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग बैन करने वाला कानून पास, 2008 के बाद जन्म बच्चे कभी नहीं देख पाएंगे न खरीद पाएंगे तंबाकू सिगरेट, 26,000 करोड़ की होगी बचत। दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर बोले आईएमएफ किश्त देने तैयार नहीं, इमरान ने इकोनॉमी को तबाह कर दिया। ब्राजील में यूएस कैपिटल जैसी हिंसा, प्रेसिडेंट बोल्सोनारो हारे तो समर्थकों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर किया हमला, कई गाड़ियां भी जलाई। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को मान्यता, राष्ट्रपति बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल पर किए साइन, बनाया कर। फिर से गूंजे तमाम मुद्दा, चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा, 17 विपक्षी दलों का वॉकआउट। भारत का नेपाल के साथ 3 सेक्टर में एमओयू, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगा बड़ा बदलाव, 10 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते, ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। दिल्ली में बाइक सवारों 2 लड़कों ने लड़की पर फेंका तेजाब, छोटी बहन के साथ जा रही थी, 8% तक जला लड़की का चेहरा। बिहार में शराब से 17 की मौत, सवाल पर भड़के नीतीश कुमार, विधानसभा में बीजेपी विधायकों से बोले एक क्या हो गया तो पूछाओ। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट के सवाल पर रेल मंत्री का जवाब, कहा सब्सिडी पेंशन सैलरी और ईंधन का खर्च बोले सभी नहीं दे सकते सीनियर सिटीजन को रियायत। मेट्रो कार में लगी आग, चालक ने कूद कर बचाई जान, मिनटों में ही जलकर खाक हुई कार, ग्रेटर नोएडा के बेटा टू थाना क्षेत्र के अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन के पास की घटना। एचयूबाला में दिखा गुलदार, ग्रामीणों में दहशत, लोगों ने शोर करके गुलदार को भगाया, पिछले दिनों भाऊवाला और शंकरपुर क्षेत्र में दिखाई दिया था गुलदार। सरपंच की खुलेआम गुंडागर्दी और मारपीट का वीडियो वायरल, सरपंच ने महिला के ऊपर किया लाठी और जूतों से वार, सरपंच के हमले से महिला घायल, कटनी के ग्राम पंचायत रोहनिया का मामला। रायसेन में रेफर मरीजों को भोपाल ले जा रही एम्बुलेंस नाक बैरियर की पुलिस से टकराई, पुलिया से टकराते ही बड़ा हादसा होने से डरा लेकिन या निर्माण की पुलिस को। दुष्कर्मी द्वारा युवक की पिटाई, बल्ले से की युवक की पिटाई, पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, नोएडा के सेक्टर 142 का मामला। सांसद डॉक्टर रैस टी हसन लोकसभा में पार्टी नेता नियुक्त, यूपी के मुरादाबाद से लोकसभा सांसद डॉक्टर हसन, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली थपथ। पायलट बोले चीन को मुंहतोड़ जवाब दें, हम सरकार के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। राहुल बोले उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रही है मोदी, जीएसटी छोटे कारोबारियों को कर रही है खत्म। दीपिका के भगवा कपड़ों में बोल्ड लुक का विरोध, पठान फिल्म में किए हॉट सीन्स, एमपी के गृह मंत्री बोले बेटों के टुकड़े गैंग के समर्थन। चीन से झड़प पर महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया, मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं दे रही, एलएसी पर हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। हाईवे पर लहरा कर ट्रक चला रहा था ड्राइवर, पुलिस ने चेकिंग के दौरान तुरंत ट्रक का पीछा कर रोका, ड्राइवर की तबीयत ठीक न होने के चलते कंट्रोल में नहीं था ट्रक। ट्विटर ब्लू सर्विस सोमवार को होगी रिलॉन्च, सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को मिलेगा ब्लू चेक मार्क, एसटी वीडियो में भी अपलोड कर सकेंगे। पीएम मोदी ने स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का किया उद्घाटन, स्वामी नगर करीब 600 एकड़ में बनाया गया है, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक इस समारोह में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु ने भाग लिया। शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकाल लोक में जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत की, जियो 5G के 12 शहरों में शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में ग्राहकों ने वेलकम ऑफर में पंजीकरण करवाया। इस्लामिक देशों के संगठन OIC के महासचिव ने कश्मीर पर दिया विवादित बयान, भारत ने OIC को दी चेतावनी पर भड़के उठे पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक।